नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप महिम प्रफुल्ल। 2014 के बाद में किसी के लिए अच्छे दिन आए हो या ना आए हो, लेकिन संत समाज के लिए, महाराज के लिए, योगी के लिए, यानी साधु महात्माओं के तो अच्छे दिन आ ही गए। भर भर के उनको तोहफे दिए जाने लगे, सम्मान दिया जाने लगा, और साधु संत समाज तो यूं कहिए कि एकदम थोक के भाव में नजर आने लगे। महाराज लोग सरकार से नए नए कार्य के लिए निवेदन करना शुरू कर दिए, नए नए नीति बनाने के लिए निवेदन करना शुरू कर दिए। यानी महाराज लोग को लगा कि शायद बहुत मुद्दत बाद अब समय आ गया है कि राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र घोषित करा दिया जाए, क्योंकि बहुत दिनों से कयास लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा, और इसकी पहल भी इन्होंने शुरू कर दी। जबकि हमारे संविधान में यह लिखा है कि हम धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, यानी हमारे देश में सभी धर्मों के लिए सम्मानजनक स्थान है, सभी धर्मों को मानने का मान्यता प्राप्त है। उसके बाद भी इनके जेहन में यह बात नहीं आती है। एक बात इनके बात में जरूर आती है कि भैया हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है, और उसके लिए तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, ऐलान करते हैं, नारे लगाते हैं। उन्हीं में से एक और है महाराज। आज आपको उनकी कहानी बताएंगे कि कितने बड़े नौटंकी बाज हैं। हर बार कोई या कोई चीज को लेके सुर्खियों में रहता है और हमेशा घोषणा करते हैं कि इस बार तो मैं ये कर लूंगा, इस बार तो मैं वो कर लूंगा, अगर मेरी बातें नहीं मानी गई तो मैं फलाना ढिंकाना तमाम तरह की बातें कर लेते हैं। तो खैर, महाराज थोड़ा गौर से देखिएगा तस्वीरों को, चंदन टीका लगाए हुए हैं और एकदम सन्यासी साधु महात्मा के भेष में हैं। और ये बोलते हैं, ये टाइम्स नाउ नव भारत का है, वो बोलते हैं कि सदगुरु परमहंस आचार्य महाराज हैं। मेरी मांग है कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, अगर नहीं होता है तो सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा। यानी ये सरकार से बोल रहे हैं कि अगर 2 अक्टूबर तक, महात्मा गांधी की जयंती तक, केंद्र को मुसलमानों और ईसाइयों की राष्ट्रीयता समाप्त कर देनी चाहिए। इनको लग रहा है कि यहां से मुसलमानों और ईसाइयों को जो कानूनी वैधता प्राप्त है, राष्ट्रीयता की नागरिकता यानी प्राप्त है, उसको समाप्त कर देना चाहिए, समय आ गया है। उसके बाद में आते हैं एक और न्यूज चैनल का हेडलाइन पढ़ के बता दूं, उसके बाद फिर इनकी थोड़ा सा इनके बारे में, इनके इतिहास जानेंगे कि कैसा रहा है। मेरी मांग है कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ये न्यूज 24 का है। अगर नहीं होता है तो सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा। केंद्र को मुसलमानों और ईसाइयों की राष्ट्रीयता समाप्त करनी चाहिए। सदगुरु परमहंस आचार्य महाराज, महाराज जी हैं। इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम जो कहेंगे वो मान लेगी, लेकिन इनको इस बात का शायद भान नहीं है कि आपसे पहले भी एक गंगा सफाई अभियान के नाम पे आंदोलन करते करते एक प्रोफेसर से संत हुए व्यक्ति मौत के घाट उतर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुनती है। आपको कैसे लगता है कि आपकी बात सुन लेगी? खैर, ये गुमराह करने का एक नया तरीका है। इनके थोड़ा सा अतीत खंगालते हैं। इन्होंने राम मंदिर को लेकर भी अनशन किया था। ये अनशन आपको 2020 का है, 1 दिसंबर 2020 के पेज का है, अमर उजाला का खबर है। उसमें इन्होंने 7 सूत्रीय मांग रखा था और कहा था कि राम मंदिर के लिए अनशन करने वाले महंत परमहंस ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, रखी 7 मांगे, यानी इच्छा मृत्यु यानी स्वयं अपने आप यानी खुद को मारने की अनुमति मांगा था कि मैं मरना चाहता हूं, राष्ट्रपति महोदय मुझे मरने की अनुमति दे दीजिए। इन्होंने 7 सूत्रीय मांग भी रखा था। उनमें से क्या थे इनके मांगे? जनसंख्या नियंत्रण कानून तैयार हो, सम्मान नागरिक संहिता कानून लागू हो, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, बेटियों की शिक्षा मुक्त हो जाए, गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना एवं
ग्राम स्तर पर गौ सेवा प्रधान के द्वारा सुनिश्चित करना। इस तरीके से ये 7 मांग थे, अगर ये पूरा नहीं होता तो उनको इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी जाए। लेकिन मरे नहीं, जिंदा है अभी, आप ये मत समझिएगा कि उसके बाद मर गए। चलिए अब दूसरी खबर पे आते हैं। महंत ने सजाई अपनी चिता, बोले राम मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हुआ तो करूंगा आत्मदाह। ड्रामेबाज, नौटंकीबाज है बाबा एकदम। ये भी ये जनसत्ता की खबर है। इन्होंने कहा था 6 दिसंबर तक अगर राम मंदिर का निर्माण नहीं होता है तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। दूसरी है, चलिए तीसरी खबर आपको बताते हैं, उसी अयोध्या से है। और उसके बाद लिखते अयोध्या में जाने क्या हुआ कि महंत परमहंस दास ने सजा ली खुद की चिता। ये खबर है आपको 8 मई 2021 की। अयोध्या में वेस्ट बंगाल यानी आपको पश्चिम बंगाल, अभी जस्ट चुनाव खत्म होने के बाद भी वहां पे हिंसा हुई थी, उस हिंसा को लेकर ये खुद की समाधि बना लेते हैं और बोलते हैं उसकी जांच होनी चाहिए, जो हिंसा हुई वो गलत है, अगर नहीं होती है तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, खुद की चिता बनाते हैं। फोटो देख लीजिएगा, वो ये पत्रिका की खबर है, सत्य प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद फिर वही आते हैं। हाँ, तो ये रहा इनके पीछे का इतिहास। हर बार नए नए तरीके अपनाते हैं, हर बार नई नई बातें बोलते हैं। अभी जल समाधि की बात कर रहे हैं। अब जल समाधि की बात, जैसे इन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है, और सोचिए उस दिन देश को, राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये साहब मांग कर रहे हैं, महाराज जी। तो महाराज जी जब मांग किए तो लोग ट्विटर पे इनको ट्रोल करना शुरू कर दिए। सुबोध माथुर लिखते हैं, क्योंकि बाबा जल समाधि लेने वाले थे, लिखते हैं कि हम भी हिंदू हैं और मांग करते हैं कि इन्हें सरयू नदी में जल समाधि लेने की अनुमति दी जाए। बस एक शर्त है, इनके पैरों में 100 किलो का पत्थर जरूर बांधा जाए, क्योंकि बाबा कहीं ऐसे ना हो कि नीचे गए और ऊपर निकल आए, तो पत्थर रहेगा ना तो नीचे ही रह जाएंगे, इसीलिए इनकी मांग है। उसके बाद डी इंडिया ट्विटर आईडी से लिखा जाता है, भारत पर कलंक, आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन और बीजेपी, बीजेपी के फर्जी सदगुरु जगत गुरु परमहंस नकली आचार्य महाराज के जल समाधि के लिए सरयू नदी तक मुक्त कार सेवा उपलब्ध है। यानी ये कार का फोटो शेयर किया हुआ है और कह रहे हैं कि हम कार से इनको पहुंचा देंगे, आ जाइए। उसके बाद आते हैं कंट्री सेल हेट मोती, ये लिखते हैं सच में करेगा ना, भागेगा तो नहीं। उसके बाद एक फोटो शेयर कर किया हुआ है इसी पे और लिखा जाता है, तुम्हारे जैसे लोग पहले सपने देखते हैं फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये इस तरीके से कमेंट आ रहा है। उसके बाद सिस्टम और सिस्टम नाम की यूजर आईडी से लिखा जाता है, बाबा जाते जाते यूडी को बोल जाओ, थोड़ा वीडियो भी देख लीजिए, वीडियो में क्या कह रहे हैं। बस हमारा भी एक छोटा सा गांव है भोसड़ी, उनका थोड़े चेंज कर दो बड़ी मेहरबानी होगी, अब जरूरत नहीं उनका नाम चेंज करो, हमारी तरफ भी देखो बड़ी तकलीफ होती है। अब आप कहते हो कि हम यूपी से हैं, हम एमपी से हैं, मुंबई से, साला हम कहते कि हम साला भोसड़ी से, एयरपोर्ट पे जाते हैं तो साला ठप्पा लगाने से पहले कहाँ जाओगे, हम कहते भोसड़ी में, आते वक्त साला कहते कहाँ से आ रहे हो, हम कहते भोसड़ी से, आप सब वहीं से आए बट हमें कहने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, आप समझ रहे हैं ना, जरूरत नहीं हो तो चेंज करो, इका चेंज करो पहले, बहुत तकलीफ होती है साली, ये नाम कहाँ है भाई, भोसड़ी, बस स्टॉप से उतरते तो बस वाला कहते भोसड़ी वालों उतर जाओ। उसके बाद में आते हैं दीपक भारती, ये लिखते हैं क्या लगता है वो बाबा सच में समाधि लेगा, 2 अक्टूबर डेट तो बताया, साल नहीं बताया, अब हर साल 2 अक्टूबर को वेट करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट बताता हूं, विक्रम आते हैं, इनके घर से सरयू नदी कितनी दूर है, कोई अपनी गाड़ी में ही इनको सरयू पहुंचा दो जी, अब तो सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। और अभिषार शर्मा भी है, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने भी लिखा है, मुझे अभी विवेक शर्मा ने बताया ये वाले भाई साहब ऐसा पहले भी करते रहे हैं मगर कभी भी धमकी को अंजाम नहीं दिया, ईश्वर इन्हें वो करने के या हिम्मत दे या कभी ना दे। तो इस तरीके से लोग ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं क्योंकि बाबा समाधि लेने वाले हैं अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो। हम भी उम्मीद करते हैं कि बाबा समाधि ना ले, बाबा आप धर्म निरपेक्षता में ही जिंदा रहे, और हम उम्मीद करते हैं कि धर्म निरपेक्ष रहेंगे, लोकतांत्रिक रहेंगे, तो आपका भी जीवन सुखमय होगा।
बाबा समाधि मत लीजिएगा, चलते चलते यही कहेंगे। खैर अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बाबा तक पहुंचा दीजिएगा कि हम भी अपील कर रहे हैं कि बाबा समाधि लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।